हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बुमिन टेक के फ्रेश एंड एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मी ए टू के बारे में कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस जो कि लीक हुए हैं और कब ये फोन जो है लॉन्च हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किए बिना मत जाना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। वीडियो गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में कि क्या आप लोगों को डिजाइन देखने मिलने वाली है Redmi A2 में। तो आप सभी ने Redmi Note 5 Pro तो देखा ही होगा, तो सेम डिजाइन आप लोगों को इसमें भी जो है देखने मिलने वाली है, जो कि है ड्यूल रियर फेसिंग ड्यूल वर्टिकल कैमरा आप लोगों को देखने मिलेगा, और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रियर साइड में आप लोगों को सेंटर में मिलेगा, जो कि एक Xiaomi की सिग्नेचर स्टाइल है अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो वो आप लोगों को रियर साइड में देखने मिलने वाला है। और जो फ्रंट फेसिंग व्यू की बात करें तो उसमें आप लोगों को 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि होगा 5.99 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। तो यही कुछ डिजाइन आप लोगों को देखने मिलने वाली है, जैसे कि आप इमेजेस देख सकते हैं। ये होगी ऐसी कुछ डिजाइन जो कि आप लोगों को मिल सकता है Redmi A2 में। बढ़ते स्पेसिफिकेशंस की तरफ, तो बताया जा रहा है कि इस फोन में आप लोगों को काफी सारे डिफरेंसेस जो है देखने नहीं मिलेंगे कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro। काफी कम जो है चेंजेस किए गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्प्ले जो है एक्जैक्टली सेम है, 5.99 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि होगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के डिस्प्ले में, तो वो आप लोगों को जो डिस्प्ले में मिलने वाला है। और जो बैटरी की बात करें तो बैटरी में आप लोगों को 3010 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि MI A1 में भी आप लोगों को मिलती थी। और जो कैमराज की बात करें तो रियर फेसिंग ड्यूल रियर फेसिंग कैमरा देखने मिलेगा 12+12 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो होगा 20 मेगापिक्सल का। मैं पर्सनली जो है MI A1 यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं अभी रियर कैमरा से शूट कर रहा हूँ MI A1 से, तो काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी आप लोगों को देखने मिलती है। तो MI A2 में थोड़े और अपग्रेडेशन के साथ में आप लोगों को देखने मिलेगा, ऐसे कुछ जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है। तो देख लेते हैं कि Xiaomi क्या कुछ नया लेकर आता है। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में आप लोगों को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, वेयर एज आप लोगों को Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में 636 का प्रोसेसर मिलता था, जो कि काफी दोनों प्रोसेसर काफी अच्छे हैं, काफी कमाल के प्रोसेसर आप लोगों को देखने मिल जाते हैं। तो इसमें भी काफी अच्छा है, बैटरी भी काफी अच्छी है, आप लोगों को 1 डे बैटरी लाइफ देखने मिलेगी। और अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें आप लोगों को 3 वेरिएंट्स देखने मिलेंगे, जो कि होगा 4GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, 64GB इंटरनल स्टोरेज, और साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज, ऐसी कुछ जो एक्सपेक्टेशन है। अब लीक्स भी कहती है कि आप लोगों को 3 वेरिएंट जो है देखने मिलेंगे। ये तो होगा स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में कि इस फोन आप लोगों को कितने प्राइसिंग में जो है देखने मिलने वाला है, क्या प्राइसिंग होगी इंडिया में। तो पता चला है कि अगर चाइनीज प्राइसिंग को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो ऑन एन एवरेज अप्रोक्स जो 20,000 रुपीज हो सकती है, अगर चाइनीज प्राइसिंग को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो अप्रोक्स है। अभी तक कोई भी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी। तो जो मेड वेरियंट है 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी जो प्राइसिंग है वो हो सकती है 23,000 रुपीज, और जो हायर वर्जन है जो कि 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, उसकी प्राइसिंग हो सकती है 25,000 रुपीज। ये जो है अप्रोक्स प्राइसिंग है, कंफर्म प्राइसिंग अभी तक इंडिया में पता चली नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मैं जरूर से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। जब भी लॉन्च होगा या फिर प्राइसिंग का कुछ भी जो है डिटेल्स मुझे पता चलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर से जो इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों में इंस्टेंट टेक न्यूज दे देता हूं, तो वहां पर आप लोगों को इंस्टेंट टेक न्यूज मिल जाएगी मेरे तरफ से। तो ये चैनल का ही जो पेज है मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया है, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके जो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल में इंटरेस्ट हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।